गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल रात को लेट सोया, इसकी वजह से आज टाइम से उठ नहीं पाया। और आज शूट्स भी है और आज ही है शिखा की वेडिंग भी है, तो वहाँ भी जाना है। अभी शूट को अरेंजमेंट करके जाना है, दो शूट्स हैं वेडिंग के भी, वहाँ भी टीम को सेंड कर रखा है, उनको टाइमिंग्स तो मैंने सेंड कर दिए, जस्ट उन्हें एक बार टीम से बात करके कंफर्म करना है कि कौन कहाँ पहुँचा है। और फिर मेरे ख्याल से दोपहर के आसपास निकलना होगा शिखा की वेडिंग के लिए, वहाँ पे भी कुछ काम है जो करने हैं, और फिर शायद हम वहाँ पे पहुँचेंगे। सो देखते हैं, आज का दिन भी एक्चुअल में काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। लेकिन पता नहीं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं रात में लेट सोता हूँ। लेट मतलब कि अगर 11:30-12 बज जाते हैं या 12:15, तो फिर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। लेकिन कुछ लोगों का होता है, वो लोग उठ जाते हैं टाइम से, लेकिन मेरा हो नहीं पाता। मैं नॉर्मली आपका 10:30-11:15 तक अगर सो गया तो मैं अपना टाइम से उठ जाता हूँ, जो कि आपका 4:15-4:30 बजे का है। लेकिन अगर उससे लेट हो गया, मैं ट्राई तो करता हूँ लेकिन पता नहीं फिर उठ नहीं पाता। अब आज भी जैसे मैं ऑलमोस्ट 7:30 बजे उठा था, तो मेरे ख्याल से लेट है काफ़ी। कोई नहीं, एनीवे अब इस टाइम को मैनेज करते हैं। सर हाँ, मेरे को काउंटर दे दो, काउंटर चाहिए होगा। अभी निकल रहे हैं, उससे चलते हैं ना गाड़ी से। माला को कोई रस्म वहाँ पे निभानी है। क्या है रस्म है माला, क्या करना है वहाँ पे? बनाना है खाकर। अच्छा हाँ, तो शिखा के लिए कुछ बनाना है, उसके बाद पार्लर जाएगी। तो मैं अभी इसे मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ, ड्रॉप करके फिर मैं वहाँ से ऑफिस निकल जाऊँगा। माला को ड्रॉप कर दिया है मेट्रो स्टेशन पर और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ। दो टीमें पहुँच चुकी हैं वैसे काम पर ऑलरेडी, लेकिन एक जगह पे शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, एक फ्लैश है नहीं, तो जस्ट वो ऑफिस से उठाऊँगा और जाके वो फ्लैश उन्हें दे दूँगा। पेट हल्का हल्का दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। पांच चीजें किस लिए? अरे भाई शिव क्या है, क्या है भीम पंचक? भीष्म पंचक में भी ये पांच होता है क्या? पंचामृत का मतलब ये पांच आइटम होगा। लावण्या चलो तैयार हो जाओ, क्या देख रहे हो? चलो तैयार हो जाओ फटाफट, मामा भी आने वाली है। यार शर्ट भी अभी प्रेस हुई नहीं है, शर्ट भी अभी मेरे को प्रेस करनी होगी। मेरे को लग रहा है हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। शर्ट ये री, जैकेट कहाँ पर है? जैकेट शायद इस रूम में। लावण्या रेडी हो जा बेब से अब। ये री जैकेट पहनना है। मैं अभी ऊपर वाले रूम में आया हूँ जो अभी पेंट होके रेडी हुआ है। वैसे सामान तो हमने कुछ तो लगा दिया है यहाँ पे भी, लेकिन मैं मेन आया हूँ यहाँ पे ट्रिमर के लिए। भैया भाभी भी एक वेडिंग के अंदर गए हुए हैं और हमें आज दूसरी वेडिंग में जाना है, वो लोग कहीं गुड़गांव में हैं। लेकिन ट्रिमर मुझे दिख क्यों नहीं रहा, ट्रिमर कहाँ रखा है? अब सामान सारा इधर उधर हो गया है। ट्रिमर ट्रिमर ट्रिमर, मेरे को लग रहा है फोन करके ही पूछना पड़ेगा। मैं अभी फोन करके भाभी से पूछता हूँ कि कहाँ रखा है। लगता है माला आ गई, शायद मान गई। अरे वाह क्या बात है, सही लग रहे हो, अच्छा रेडी किया है। पैसा वसूल? हाँ। सभी रेडी हो चुके हैं। हम लोग पहले एक जगह पापा के फ्रेंड का
की बेटी की शादी है वहाँ पे जा रहे हैं और उसको वहाँ से अटेंड करते हुए सीधा जाएंगे दूसरी जगह कीर्ति नगर फटाफट। रास्ते में जाम बहुत मिल रहा है क्योंकि आज शादियां भी बहुत सारी हैं। लावण्या हाय बोलो लावण्या। फोटो सेशन यहाँ पे चल रहा है। हमारी फोटोग्राफर क्या बात है, सही आएगी यहाँ पे फोटो। अब थोड़ी शांति हुई है, रात के ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं और अभी तक वरमाला नहीं हुई। तो हम लोग वेट कर रहे हैं वरमाला जल्द से जल्द हो और उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे। माला शायद रुकेगी, मैं मम्मी पापा हम तीनों निकल जाएंगे जल्दी। अभी भी पूजा चल रही है, मेरे को लगता है अभी भी आधा घंटा और लगेगा वरमाला होने में। लेट्स सी, जल्दी से वरमाला देख के फिर निकलते हैं। निकल गए हैं अब घर के लिए। कितना टाइम दिखा रहा है पापा? ऑलमोस्ट आधा घंटा और लगेगा हमें घर पहुंचने में। कल सुबह तो क्या ही जल्दी उठेंगे, 2-2.5 बज जाएंगे हमें घर पहुंचते। और आधा घंटा आराम से लगेगा। माला रुक गई है वहां पे, पहुंचते हैं घर। बहुत ज्यादा थकान हो चुकी है। ब्लॉग को वैसे यहीं पे एंड करते हैं, इसकी अगर हो सका तो मे बी 2 पार्ट्स बने, लेकिन अगर एक ही पार्ट में आ गया तो मैं एक ही पार्ट बनाऊंगा और उसे कल अपलोड करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कुछ कमेंट्स भी करो और बेल आइकन भी दबा देना प्लीज। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।